बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है, अक्सर आपने दिन में कई बार देखा होगा कि आपको व्हाट्सएप पे अपने किसी फ्रेंड की तरफ से, अपने किसी फैमिली मेम्बर की तरफ से मैसेज आता है, और मैसेज कुछ भी हो सकता है, वो पिक्चर हो सकती है, वो वॉइस मैसेज हो सकता है, वो वीडियो हो सकती है या टेक्स्ट मैसेज हो सकता है। तो वो आपको आता है, मगर आपके देखने से पहले, आपके रीड करने से पहले जो सेंडर है वो उसको डिलीट कर देता है। आपको बस नोटिफिकेशन नज़र आता है जिस मैसेज बार डिलीटेड, तो आपको बड़ा गुस्सा आता है, बड़ी हैरानगी होती है कि पता नहीं इस बंदे ने क्या सेंड किया होना है। तो आपको एक आती फीलिंग अंदर से आती है कि मैं देखूं कि पता नहीं ये क्या था जो इसने डिलीट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शो करवाऊँगा कि डिलीट किए हुए मैसेज को आप कैसे रीड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़े वाला जो है ये मेरे फ्रेंड का मोबाइल है, ये मान के चलते हैं, और ये मेरा मोबाइल है। अब मेरा फ्रेंड लेट्स बोल, ये देखें मैसेज मुझे सेंड करता है, हाय, ये देखिए दूसरी तरफ मुझे रिसीव हो गया, और मैं लेट्स बोल अभी रीड ही नहीं किया, मैं पढ़ा ही नहीं है, तो ये यहाँ से कर देता है डिलीट फॉर एवरी वन, यहाँ से डिलीट कर देता है, और दूसरी तरफ मैसेज मुझे मिल जाता है दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। मैं मुझे पता ही नहीं चला कि इसने, मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या मैसेज किया था। तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं, तो मैं अब आपको वो दिखाता हूँ। तो ये इसको साइड पे रखते हैं, ये मेरा मोबाइल है, इसके अंदर हमने क्या करना है, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, प्ले स्टोर पे हमने जाना। तो आपने करना क्या है, सिंपल आपने जाना है प्ले स्टोर पर, यह अपने मोबाइल के अंदर ये आपको बताता हूँ। सिंपल आपने प्ले स्टोर में जाना है, और यहाँ पे लिखना है आपने WAMR व्हाट्सएप मैसेज रीडर WAMR, ये आपने लिखना है और सर्च आपने करना है। ये फर्स्ट पे जो एप्लीकेशन आनी है इसको आपने कर लेना है इंस्टॉल। और मैं आपको ये बताता चलूँगा कि ये 11 MB की ऐप है, ये कब वर्क करेगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये गौर से सुनिएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज सेंड किया है, और अगर तो मैं रीड कर लिया है फिर तो कोई इशू ही नहीं है, इस ऐप का कोई मकसद ही नहीं है ना हमें इंस्टॉल करने का। हम इसको क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं कि मेरे फ्रेंड ने मैसेज मुझे सेंड किया है, और मैंने नीचे को नोटिफिकेशन बार करके क्लिक करके उसको अभी रीड नहीं किया, रीड करने से पहले पहले इसने, मेरे फ्रेंड ने उसको कर दिया है डिलीट दोनों साइडों से। अब इस ऐप का वर्क शुरू होना है कि मेरे फ्रेंड ने जो मैसेज मुझे सेंड किया है वो मैं अभी रीड नहीं किया था और इसने डिलीट कर दिया है, अब उसको मैं देखना चाहता हूँ, तो ये ऐप अब मुझे शो करवाएगी। चलो ये हमारी इंस्टॉल हो गई है, तो अब हमने क्लिक करना ओपन पे, ओपन में इंस्टॉल करके ये थोड़े से परमिशन मांगने हैं इसने, वो हमने यस कर देनी है, एक्सेप्ट कर लेना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पर हमने ये पहले वाला व्हाट्सएप इसको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे ये दो चीज़ें अनेबल हमने करनी है, ये मल्टीमीडिया फाइल और नोटिफिकेशन रीडर दोनों को अनेबल करना, ऊपर वाले को अनेबल किया, अलाउ किया, नीचे वाले को अनेबल किया, ये इसको यस कर दिया और ये अलाउ कर दिया। अब हमने ये बैक जाना है, फिर नेक्स्ट, ओके, ये हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो गई है। अब मैं ये अपने फ्रेंड के मोबाइल से आपको दोबारा मैसेज सेंड करके दिखाता हूँ और डिलीट करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डिलीटेड मैसेज को हमने रीड करना है। ये देखिए, ये मेरे फ्रेंड का मोबाइल है, ये मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, तो ये मैं मैसेज आप दोबारा सेंड करता हूँ, ये देखिए, हाय, ये मैं मैसेज सेंड कर दिया, अब ये मुझे नोटिफिकेशन आ गया, मगर अभी हम, मैं इसको रीड नहीं किया नीचे करके, इसको मैंने अभी रीड नहीं किया, मगर मेरे फ्रेंड ने, मतलब मैं 1 घंटा 2 घंटे के बाद आया हूँ घर, मैं देखा बाहर, रीड नहीं अभी किया था ये, इधर से मेरे फ्रेंड ने इसको दोनों तरफ से कर दिया डिलीट फॉर एवरी वन, ये देखिए, तो इधर से डिलीट फॉर एवरी वन हो गया। ये एप्लीकेशन ने मुझे नोटिफिकेशन दे दिया है, ये देखिए नोटिफिकेशन दे दिया है कि आपके फ्रेंड ने एक मैसेज डिलीट किया है, मगर मैं, ये देखिए, इस एप्लीकेशन को खोलूँगा जो मैं इंस्टॉल की है WAMR, ये देखिए WA, पहले मैं आपको व्हाट्सएप ओपन करके दिखाता हूँ कि मैसेज क्या आया है, ये देखिए, ये व्हाट्सएप ओपन करता हूँ तो मुझे मैसेज क्या आ रहा है, दिस मैसेज वाज डिलीटेड। अब ये मैसेज क्या था ये मैं जानने के लिए
उस ऐप के अंदर जाऊंगा जो मैं अभी इंस्टॉल की है, WAMR, ये देखिए WAMR, इसको मैं जब ओपन किया तो ये देखिए, ये उसका नाम होम जैसे मैं सेव किया हुआ अपने मोबाइल के अंदर, ये मेरे फ्रेंड का नाम, उसने मुझे शो किया कि हाय का मैसेज उसने किया था जो डिलीट किया है, ये देखिए। लेट्स गो, अब मैं आपको यहाँ से कोई इमेज सेंड करके डिलीट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सपोज करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने कोई मुझे इमेज या कोई वीडियो कुछ भी वट एवर सेंड किया था, ये देखिए इमेज सेंड की है, मेरे उधर से रीड नहीं अभी मैं किया, तो ये इधर से क्या करता है, इसको डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, ठीक है। तो मैं सपोज के देखा है थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप ओपन किया है, तो मुझे ये मैसेज आना है, दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। अब मैं क्या था वो, मैं जानने के लिए दोबारा जाऊँगा उस ऐप के अंदर, ये देखिए WAMR, तो ये देखिए ये फ़ोटो शो करवा रहा है कि इसके अंदर मैं जाऊंगा, ये अटैचमेंट, इसके अंदर जितनी फ़ोटो वीडियो यहाँ आएंगी, तो ये उसने मुझे सेंड की थी, ये कितने बजे की थी सारी डिटेल है वो भी शो हो जाती है इसके अंदर। ये देखिए 7:06 पर मुझे फ़ोटो सेंड की थी उसने। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन को प्रेस कर दें, और अगर आपको कोई बेनिफिट हुआ तो नीचे कमेंट के अंदर मुझे लाजमी बताएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।